आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत में लिखा है कि यदुवंश यानी भगवान श्री कृष्ण के वंश का अंत हो गया था, लेकिन पुराणों में ये भी लिखा हुआ है कि द्वारिका के अंतिम शासक और श्री कृष्ण के प्रपुत्र चंद्रवंश शिरोमणि यदुकुल भूषण महाराज वज्रनाथ थे, जिन्हें अर्जुन ने बचाया और अपने साथ हस्तिनापुर ले गए और बाद में इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर महाराज वज्रनाभ का राजतिलक भी करवाया। और इन्हीं महाराज वज्रनाभ और भगवान श्री कृष्ण के वंशज आज के जादौन, भाटी, जाडेजा और चुड़ासमा आदि राजपूत हैं। जादौन क्षत्रिय राजवंश का इतिहास। यदुवंशी क्षत्रिय जादौन, जाडेजा, भाटी और चुड़ासमा राजपूत। जय चंद्रवंशी अवतार भगवान श्री कृष्णा। जय श्री ठाकुर जी महाराज। इन वीर क्षत्रियों के इतिहास के वर्णन से पूर्व इनकी उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। आदिकालीन ऋषि अत्रि के वंशज सोम की संताने सोमवंशी या चंद्रवंशी कहलाए। इस वंश के छठे चंद्रवंशी राजा ययाति के पुत्र चंद्रवंशी राजा यदु के वंशज यदुवंशी कहलाए। यदुवंश की 39वीं पीढ़ी में श्री कृष्णा जी हुए और वहीं श्री कृष्णा से 88वीं पीढ़ी के राजा भाटी अंतिम यदुवंशी शासक हुए। अंतिम यदुवंशी शासक से अभिप्राय ये है कि राजा भाटी के बाद यदुवंश यादव, भाटी, जाडेजा और चुड़ासमा उपशाखाओं में से जाना गया। यादव से जादौन और फिर जादौन। इस प्रकार यदुवंश में भाटी, जादौन, जाडेजा और चुड़ासमा राजपूत वंश चले। वर्तमान में करौली, राजस्थान यदुवंशी जादौन जादव राजपूतों की सबसे बड़ी रियासत है, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। 1701 में करौली राजघराने से आकर ठाकुर चतुर्भुज सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अबागढ़ जागीर बसाई। राजा बलवंत सिंह अबागढ़ जागीर के बहुप्रसिद्ध राजा हुए हैं। इन्होंने कॉलेज निर्माण के लिए हजारों एकड़ जमीन दान में दी, जहां उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा में बनवाया गया था। जादौन राजपूतों के ठिकाने अबागढ़, मिश्रा, गबाना तहसील पूरी जादौन राजपूतों की है। खुर्जा से लेकर कुंडला आदरस तक जादौनी है। जिला बुलंदशहर में भी जादौन राजपूतों के काफ़ी गांव हैं। सोमानी अलीगढ़ जिले में लगभग 80 से 90 गांव हैं। कोटला, रहीआबाद, शमशाबाद, मुसाफाबाद, घिरौर, सिरसागंज और शिकोहाबाद क्षेत्र के आसपास लगभग 84 गांव में जादौन राजपूतों की बहुतायात है। फिरोजाबाद जिले में और भी यहाँ गाँव हैं जहाँ जादौन राजपूतों के ठिकाने हैं। अडीग, कौल, हसनगढ़, अकबराबाद, सिकदाराराम, खैर, किरावली, जेवर। इसके अलावा बुलंदशहर में लगभग 150 गांव ऐसे हैं जहां जादौन राजपूत बहुतायात में हैं। आदि और भी उत्तर प्रदेश में जादौन राजपूतों के ठिकाने हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में लगभग 440 गांव जादौन राजपूतों के हैं। उत्तर प्रदेश में बसे ज़्यादातर जादौन करौली से आए अपने पूर्वजों की संतान हैं। करौली जिले में जादौपट्टी में 37 जादौन के ठिकाने हैं। भिंड और मुरैना मध्य प्रदेश में भी जादौन के लगभग 30 गांव हैं। जादौन राजपूतों के कुछ ठिकानों के नाम यहां उपलब्ध हैं। मुरैना में चचीहा, धमकन, अटा, कीरतपुर, सुमावली, नरहेला, बुरावली, शहदपुर, पडोना, बांसी, गढ़ी, हतरिया, गुरघान, कैमरा। भिंड में सोंधा, मानपुरा, चंदपुरा, विजयपुरा, जैतपुरा, रसनोल, पीपरपुरा, बिरखड़ी। अटर तहसील में उडोदगढ़, मुरैना के पास सबलगढ़ में, हीरापुर गांव के आसपास बहुतायात में जादौन राजपूत बसे हैं। वहां इनके लगभग 50 गांव हैं। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के डीग में 15-20 गांव हैं। इंदु और सोम संस्कृत में चंद्र के पर्यायवाची हैं, इसलिए चंद्रवंश, सोमवंश अथवा इंदुवंश किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। संभवत वर्तमान हिंदू शब्द का मूल भी इंदु ही हो। यदुवंश की 8 शाखाएं बताई जाती हैं। यदुवंश यादव जादौन करौली का राजवंश, यदुवंशी भाटी जैसलमेर का राजवंश, यदुवंशी जाडेजा कच्छ भुज का राजवंश, यदुवंशी समेचा सिंध के मुसलमान। बाकी के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जाडेजा और चुड़ासमा दोनों के बारे में ऐसा मत है कि ये समा में से अलग हुए हैं, जो कि यदुवंश का हिस्सा था। जाडेजा और चुड़ासमा की और भी दो शाखाएं हैं, सरवैया और रायजादा। चुड़ासमा, सरवैया और रायजादा ये तीनों एक ही वंश की उपशाखा है।
करौली के यदुवंशी जादौन राजपूत भगवान श्री कृष्णा की 64वीं पीढ़ी के वंशज हैं। करौली जिले में जितने भी जादौन हैं उनकी 52 तड़े हैं। करौली जिले में जादौन तड़े गोंजा, पाल, मुकुंद, रेदास आदि। जाडेजा और चुड़ासमा की और भी दो उपशाखाएं हैं, सरवैया और रायजादा। चुड़ासमा, सरवैया और रायजादा ये तीनों एक ही वंश की उपशाखा है। इस वीडियो में मौजूद जादौन राजपूतों के ठिकानों के अलावा भी पूरे भारत में जादौन राजपूतों के और भी कई ठिकाने हैं, लेकिन अभी जानकारी के अभाव में उनके नाम यहाँ उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले जादव मराठा क्षत्रिय भी करौली राजस्थान से निकले जादौन राजपूतों की ही एक शाखा है। कुछ जगह करौली की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई बताई गई है, लेकिन यह सही नहीं है। करौली की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। चंद्रवंशी राजपूत राजाओं यानी श्री कृष्ण के वंशजों की अब तक 9 राजधानियां थीं, जिनमें गजनी भी एक है। गजनी के लिए कहा जाता है कि काशी, मथुरा, प्रयागवड़, गजनी और भटनेर, दिगम दिरावर, लुद्रवो, नवो जैसलमेर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद।